हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे जूलॉजी फर्स्ट पेपर के यूनिट थर्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपकी यूनिट थर्ड है ये थोड़ी सी लंबी है, इसलिए हम इसे थ्री पार्ट में कवर करेंगे। तो ये आपका यूनिट थर्ड का पार्ट वन रहेगा। यूनिट थर्ड में आपके बहुत सारे कल्चर दिए हुए हैं, जैसे लैग कल्चर, सेरीकल्चर, पिसी कल्चर एंड एक्वा कल्चर। तो आज हम स्टडी करेंगे लैग कल्चर एंड सेरीकल्चर के बेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इसके बाद यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड पर हमने वीडियो अपलोड कर दी थी, यदि आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैग कल्चर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लैग कल्चर क्या होता है, इसमें लैग का कल्चर किया जाता है। लैग जो प्राप्त होता है हमें एक लैग इंसेक्ट से प्राप्त होता है। इसका जो फाइलम होता है वो होता है ऑर्थोपोडा, क्लास है इसकी इंसेक्टा एंड ऑर्डर है इसका हेमिप्टेरा। इसका जो जूलॉजिकल नेम है यानी लैग का जो जूलॉजिकल नेम है वो है आपका टेकार्डिया लैका। पहले इसे लैसिफर लैका के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे टेकार्डिया लैका के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट होता है कि लैग का ऑर्डर, लैग को किस ऑर्डर में रखा गया है, तो आंसर होगा हेमिप्टेरा एंड आपका यहाँ से जूलॉजिकल नेम पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैग का कीट है, आंसर है सेकंड, यानी परजीवी कीट, यानी लैग जो है वो एक पैरासाइट इंसेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैग का उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है, आंसर है सेकंड, यानी भारत में लैग का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादा लैग एक बार में कितने अंडे देती है, आंसर है थर्ड, यानी 200 से 300। नेक्स्ट है कि लैग का कीट किस पेड़ पर पाया जाता है, आंसर है सेकंड, यानी जिंजीफस म्यूरिटियना। यह जो है ये आपका एक बेर का पेड़ होता है जिसका जूलॉजिकल नेम है जिंजीफस म्यूरिटियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा व्यावसायिक लैग उत्पन्न करता है, आंसर है सेकंड, यानी फीमेल लैग जो होता है वो सबसे ज़्यादा व्यावसायिक लैग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि लैग में रेजिन की मात्रा होती है, आंसर है थर्ड, यानी 68 से 90% लैग में रेजिन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है कि लैग का मुख्य संघटन है, आंसर है फोर्थ, यानी गोंद, वर्णक, मोम एंड रेजिन। ये चारों जो हैं ये लैग के मुख्य संघटन हैं। जो आपका रेजिन है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है लैग में, और वो कितना पाया जाता है वो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 68 से 90% वो पाया जाता है लैग में रेजिन। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय लैग शोध संस्थान स्थित है, आंसर है फर्स्ट, यानी रांची में भारतीय लैग शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैग का मुख्य संघटन क्या है, आंसर है सेकंड, यानी रेजिन जो है वो लैग का मुख्य संघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग उत्पन्न होता है, आंसर है सेकंड, यानी शरीर के स्राव के रूप में लैग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैनी पर से अंडों के साथ प्राप्त लैग को क्या कहते हैं, आंसर है सेकंड, यानी ब्रूड लैग कहते हैं, यानी टैनी पर जो अंडे के साथ जो लैग प्राप्त होता है उसे हम ब्रूड लैग कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीड लैग क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम सीड लैग के बारे में भी जान लेते हैं। यानी जब हमारे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि टैनी पर जो अंडे होते हैं उसके साथ जो लैग प्राप्त होता है उसे हम ब्रूड लैग कहते हैं। इसी लैग को टैनी से अलग किया जाता है, उसके बाद इसे कूटा जाता है। जब इसे कूट देते हैं तो ये छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाता है, इसी को हम कहते हैं सीड लैग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि लैग की सबसे अच्छी किस्म है, आंसर है सेकंड, यानी कुसुमी जो है वो लैग की सबसे अच्छी किस्म है। नेक्स्ट है कि सबसे सस्ता और ख़राब लैग है, आंसर है फर्स्ट, यानी ढाक का जो लैग होता है वो सबसे सस्ता और ख़राब होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद है सेरीकल्चर। तो पहले सेरीकल्चर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेरीकल्चर हम किसे कहते हैं, यानी एक रेशम का कीट होता है जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, यानी सिल्क वॉर्म को पालकर उससे रेशम प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। सिल्क वॉर्म का जो फाइलम है वो है आपका ऑर्थोपोड, क्लास है इंसेक्टा एंड ऑर्डर है लेप्टिडोप्टेरा।
और सिल्क वर्म का जो जूलॉजिकल नेम है वो है आपका बॉम्बैक्स मोरी। तो यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑर्डर क्या है एंड जूलॉजिकल नेम क्या है। सेरिकल्चर का ऑर्डर बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैतूत रेशम का कीड़ा है। आंसर है फर्स्ट, यानी बॉम्बैक्स मोरी। यानी बॉम्बैक्स मोरी जो होता है वो एक रेशम का कीड़ा होता है जो सैतूत के पत्तियों को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क मौत के कोकून को मारने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर है फर्स्ट, यानी स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क बॉम का पालन कहलाता है, यानी सिल्क बॉम को पालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर है आपका फर्स्ट, यानी सैरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क बॉम की किस अवस्था से सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो आंसर है फर्स्ट, यानी कोकून से सिल्क प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बैक्स मोरी किसकी पत्तियों का भक्षण करता है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि थार यानी सैतूत की पत्तियों का भक्षण करता है बॉम्बैक्स मोरी। नेक्स्ट है कि स्पिनट किसके लार्वे में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो आंसर होगा फर्स्ट, यानी रेशम के कीट में स्पिनट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेसेरी है। तो आंसर है आपका सेकेंड, यानी रेशम के कीट का एक रोग है फ्लेचेरी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लेचेरी एक डिसीज़ है रेशम के कीट की। तो रेशम के कीट में और भी कई सारी डिसीज़ पाई जाती हैं, तो हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म। तो यहाँ पे 5 डिसीज़ दी हुई हैं सिल्क वॉर्म की, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये नोट भी कर सकते हैं जिससे कि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो फर्स्ट है आपका मैंगोट डिसीज़। तो मैंगोट डिसीज़ जो होती है फ्लाई के द्वारा होती है, जिसका नाम होता है ट्राइकोलाइगा सैरी विलेंस। नेक्स्ट है आपकी पेब्रीन डिसीज़। जो पेब्रीन डिसीज़ होती है वो एक माइक्रोस्पोरोडियम प्रोटोजोआ के कारण होती है, जिसका नाम होता है नोसेमा बॉम्बे वाइसिस। नेक्स्ट है आपका मार्सार्डिन डिसीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पेब्रीन और मार्सार्डिन डिसीज़ से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो डिसीज़ होती है फंगस के द्वारा होती है, वो कौन सा फंगस होता है, स्पाइक एरिया पीसीना जो फंगस होता है इसके द्वारा मार्सार्डिन डिसीज़ होती है। इसके बाद फोर्थ है आपका फ्लेसेरी डिसीज़। तो ये जो होती है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियरी डिसीज़, और यह जो डिसीज़ होती है ये एक वायरस के द्वारा होती है। तो यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस टाइप से पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपकी फर्स्ट है मैंगोट डिसीज़, तो मैंगोट डिसीज़ किस फ्लाई के कारण होती है। तो आंसर होगा आपका ट्राइकोलाइगा सैरी विलेंस के द्वारा मैंगोट डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका पेब्रीन डिसीज़। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पेब्रीन डिसीज़ जो होती है वो किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, और कभी कभी ये नहीं पूछता है कि किस प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, कभी कभी ये पूछता है कि पेब्रीन डिसीज़ होती है। तो या तो आपको ऑप्शन में मिलेगा माइक्रोस्पोरोडियम प्रोटोजोआ, या आपको मिलेगा नोसेमा बॉम्बाइसिस। और नेक्स्ट है आपका मार्सार्डिन डिसीज़। क्वेश्चन बनता है कि मार्सार्डिन जो डिसीज़ होती है वो किस फंगस के द्वारा होती है। तो आंसर होगा आपका स्पाइक एरिया पीसीना के द्वारा मार्सार्डिन डिसीज़ होती है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एक फंगस होता है स्पाइक एरिया पीसीना, इसके द्वारा कौन सी डिसीज़ होती है। तो आंसर होगा आपका मार्सार्डिन डिसीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका फ्लेसेरी एंड ग्लेसेरी डिसीज़। तो क्वेश्चन यहाँ से ये सीधा सीधा पूछेगा कि फ्लेसेरी डिसीज़ किसके द्वारा होती है, तो आंसर होगा बैक्टीरिया, एंड ग्लेसेरी डिसीज़ किसके द्वारा होगी, तो आंसर होगा वायरस। इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आंसर है आपका फर्स्ट, यानी फाइब्रोइन प्रोटीन रेशम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का कीट किस अवस्था में भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। आंसर है सेकेंड, यानी प्यूपा स्टेज में रेशम का कीट भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए उसे हम क्या करते हैं। तो आंसर है आपका फर्स्ट, यानी कोकून से यदि हमें रेशम प्राप्त करना है तो हम उसे सबसे पहले उबलते हुए जल में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम किसका स्राव है। आंसर है सेकेंड, यानी रेशम जो होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोकून में रेशम के धागे आपस में जोड़ने वाला पदार्थ कौन सा होता है। तो ऑप्शन है आपके सेरिसरीन, सीमेंट, गोंद, या कोई नहीं। तो आंसर है आपका फर्स्ट, यानी सेरिसरीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कोकून में रेशम के धागों को जोड़ने का काम करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइसेलिस है सिल्क मॉथ का, तो आंसर है आपका सेकंड, यानी प्यूपा को ही हम क्राइसेलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर किस स्थान पर स्थित है, आंसर है सेकंड, यानी बहरामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम उत्पादन में अग्रणी स्थान किस राज्य का है, आंसर है सेकंड, यानी बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम के कीटों का अतिघातक रोग है, आंसर है फर्स्ट, यानी पेब्रीन रोग जो होता है वो रेशम के कीटों का अतिघातक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रेशम केवल भारत में ही पैदा होता है, आंसर है फर्स्ट, यानी मूंगा सिल्क वर्म जो होता है वो केवल भारत में ही पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम कीट जो कि बॉम्बे साइड फैमिली में आता है, आंसर है आपका थर्ड, यानी मलबेरी सिल्क वर्म जो होता है वो बॉम्बे साइड फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालतू रेशम कीट है, तो आंसर है थर्ड, यानी मलबेरी सिल्क वर्म जो है आपका वो एक पालतू रेशम का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मलबेरी रेशम उत्पादित करता है, आंसर है आपका थर्ड, यानी कर्नाटक जो होता है भारत का एक ऐसा राज्य है वो सबसे अधिक मलबेरी रेशम उत्पादित करता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्पीसीज ऑफ मॉथ, यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है आपकी चाइनीज सिल्क वर्म, तो इसका जो नाम है वो है आपका बॉम्बैक्स मोरे। यह जो होता है सैतूत की पत्तियों पर रहता है और उन्हीं का भक्षण करता है, इसलिए हम इसे मलबेरी सिल्क वर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका टसर सिल्क वर्म, तो इसका नाम है एंथेरेला माइलेटा। नेक्स्ट है आपका मूंगा सिल्क वर्म, इसका नाम है एंथेरेला अशमा क्योंकि यह असम में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका इरी सिल्क वर्म, इसका नाम है एटाका श्रीशिनी। यह जो होता है यह अरंडी की पत्तियों का सेवन करता है। नेक्स्ट है आपका गैंट सिल्क वर्म, इसका नाम है एटाकस एटाकस। इसके बाद नेक्स्ट है ओक सिल्क वर्म, इसका नेम है एंथेरा परनाई। यह जो होता है यह ओक की पत्तियों को खाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनका नाम पूछा जाता है कि टसर सिल्क वर्म का क्या नाम है, तो आंसर होगा एंथेरा माइलेटा। एंड जैसे कि मूंगा सिल्क वर्म का क्या नाम है कि एंथेरा अशमा, तो आप ये सभी ही याद कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा टसर सिल्क वर्म एंड मूंगा सिल्क वर्म के बारे में पूछा जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।